महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही न्याय दिलाने की दिशा में कोरबा में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का शुभारंभ किया गया। नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद और महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश के अन्य जगहों में भी यह योजना चलाई जा रही है। इस रथ के जरिए महिलाओं और छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। रथ में एक शिकायत पेटी भी लगाई गई है, जिसमें आने वाली शिकायतों का तत्काल महिला आयोग द्वारा सुनवाई कर निराकरण किया जा रहा है। वहाँ उसका बहुत फायदा हो रहा है, लोगों को रुझान मिल रहा है। हर कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे और हाट बाजार सभी जगह उसमें शिकायत पत्र का एक मत पेट रखा हुआ है पेटी, उसमें शिकायत पत्र का अपना डाल रहे हैं जो भी है, और उनको न्याय मिल रहा है, त्वरित न्याय। आप देखिए, कोर्ट भी जरूरी है, पर ये देखिए आज कोर्ट से ज़्यादा रुझान हमारे यहाँ महिला आयोग में लोगों का आ रहा है और तत्काल डिसीजन हो रहा है। एक या दो सुनवाई, तीसरा सुनवाई में उसका पूरा हो रहा है। इसका फायदा बहुत है, जगह जगह जाके इनका महतारी न्याय रथ जो है उससे सबको फायदा हो रहा है। नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि महतारी जागरूकता रथ के जरिए महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से बचाव और उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक किया जाएगा। के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की जानकारी और उनके साथ कभी भी घटित होने वाले अपराधों के बारे में भी हम माता बहनों को उनके अधिकार के बारे में जागृत करेंगे। इस रथ में एक LED लगा हुआ है, उसमें कई वीडियो क्लिपिंग भी है, उसके माध्यम से भीड़ भाड़ वाले स्थानों में, हाट बाजार में वो LED चला के आम जनता को महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता करने का एक प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि नारी शक्ति के हित में ये महतारी न्याय रथ बहुत ही कारगर साबित हो। गौरतलब है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने शुरू किए गए इस जागरूकता रथ का सकारात्मक असर दिखने लगा है।